नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आई नो कि साउंड का कुछ इशू मिलेगा आज आपको, बिकॉज अभी आज मेरे पास माइक नहीं था, मैं घर से रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूं, तो फिलहाल आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने, और आज मैं आपके सामने भी नहीं हूं, तो किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। नंबरलेस कार्ड क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और भुगतान एप्लीकेशन वो कौन सा है जिसने ये नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आपके करंट अफेयर्स की पहली जानकारी की तरफ। आपके करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी आज ये है कि कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए, अगरतला आप सभी को जानकारी है कि अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, तो अगरतला के लिए कोलकाता पोर्ट से अभी हाल ही में एक नया जो है बंदरगाह के जरिए, यानी कि बांग्लादेश के एक बंदरगाह जिसका नाम है चट्टोग्राम, उसके जरिए एक नए रास्ते की बात की जा रही है। और अगर आप थोड़ा सा मैप पर गौर करेंगे तो बांग्लादेश के ऊपर आप जाओगे तो वहां से इंडिया का बॉर्डर है, फिर उसके बाद से आपका भूटान शुरू हो जाता है, सिक्किम शुरू हो जाता है। सिक्किम के जरिए अगर हम होके जाएं तो उसे चिकन नेक बोला जाता है। अगर कोलकाता से घूमकर आपको सिक्किम के जरिए, चिकन नेक के जरिए अगरतला पहुंचना हो, तो ये जो दूरी है ये 1650 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को 500 किलोमीटर का बनाने के लिए कोलकाता से चट्टोग्राम बंदरगाह जाया जाएगा, और चट्टोग्राम बंदरगाह के जरिए हम त्रिपुरा तक पहुंच सकते हैं, और ऐसे पूर्वोत्तर कई राज्यों तक हम ये दूरी कम कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह पर विचार किया जा रहा है, इस पर विचार तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन अंततोगत्वा पहला परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया। केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के समझौते पर किया गया है। अभी इसमें ट्रायल रन चल रहा है, लेकिन अगर यह योजना सफल रहती है तो हाल फिलहाल जो भारत से पूर्वोत्तर राज्यों के जो रूट है उनमें नए रूट हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ बांग्लादेश से होकर जाते हैं। कोलकाता से ढाका और ढाका से अगरतला के बीच में पहले से ही बस चल रही है, जिसके जरिए हमें यहां पर रोड रूट तो मिल जाता है, लेकिन यह नेशनल वाटरवे रूट होगा, और इस तरीके से एक जलमार्ग पर भी हमारे पास रूट उपलब्ध हो जाएगा। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो यानी कि सामान के आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स का उपयोग के बारे में बातचीत की गई है, और यहां पर समझौता भी किया गया है। यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा, जैसा मैंने पहले बताया कि 1650 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, तो आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के जरिए ही रूट तलाश रहे हैं, भूटान से जरिए भी जो चीजें आपके इधर पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचनी होती हैं वो भी इसी वाटरवे के जरिए पहुंच सकती हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम क्या कर रहे हैं। ये है आपका मोंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है, और ये भी है आपका चट्टोग्राम पोर्ट। ये दो ऐसे पोर्ट हैं जिनके जरिए कोलकाता के जरिए इनको जोड़ा जाएगा, और फिर चट्टोग्राम के जरिए हम यहां से श्रीमंतपुर त्रिपुरा पहुंच सकते हैं, जिसे बीबीर बाजार भी कहा जाता है, बीबीर बाजार के जरिए फिर आप अखौरा पहुंच सकते हैं अगरतला त्रिपुरा, और आप सिहोला भी पहुंच सकते हैं आसाम में, और आप तामाबिल के जरिए दाउकी भी पहुंच सकते हैं। तो इसके जरिए होता क्या है कि तीन ट्रांसपोर्ट होंगे, रेल रूट मिलेगा आपको, रोड रूट मिलेगा, और आपको वाटरवे रूट मिलेगा। इंडिया और बांग्लादेश जो है इन्होंने पहली बार नवंबर 2010 में इस मामले में एक एग्रीमेंट साइन किया था। फिर 2015 में एक और एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें मोंगला पोर्ट और चट्टोग्राम को डेवलप करने की बात आई। इसके लिए यह भी बोला गया कि ढाका को कोई नुकसान ना हो, तो ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी यहां पर कुछ पैसा चार्ज कर सकती है जो भी भारतीय जहां जाएंगे वहां पर आने के लिए। इसके अलावा भूटान के साथ जो रूट हम लोग प्रयोग करते हैं वो है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर टू ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, और आप इसे देख सकते हैं, ये यहां से है।
और लगभग 600 किलोमीटर की जो दूरी है उसे पद्मा नदी के जरिए पूरा किया जाता है बांग्लादेश होते हुए। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में भी इस तरह के कार्गो भेजने के लिए कोलकाता टू बीरगंज नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है 200 किलोमीटर इसमें रोड का इनिशिएटिव है। कोलकाता टू भैरवा ये भी आपका नेपाल में एक जगह है और कोलकाता टू विराटनगर ये तीन ऐसे रूट हैं जिनके जरिए भारत से माल नेपाल में पहुंचाया जा सकता है वाटरवे के जरिए। यानी कि मैं यहां पर सिर्फ वाटरवे की बात कर रहा हूं जिसमें 900 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर सड़क द्वारा है, 1250 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर सड़क द्वारा है और 500 किलोमीटर के रूट में 150 किलोमीटर तक जो है वो सड़क द्वारा है। जबकि भारत और भूटान के बीच की बात की जाए तो जुलाई में 1005 टन भूटान का जो स्टोन था जो कि फुएंट सोलिंग के जरिए ढुबरी पहुंचा और फिर ढुबरी से आपका बांग्लादेश पहुंचे हुए नारायणगंज पहुंचाया गया। जबकि इंडिया और म्यांमार के बीच में बात करें तो 2904 करोड़ रुपए के लागत से रोड रिवर सी प्रोजेक्ट इसका इंडिया और म्यांमार के बीच में बनाए जा रहे हैं। अब भारत के प्रमुख वाटरवे आपको जरूर पता होने चाहिए यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग आपको जरूर पता होने चाहिए। वर्तमान समय में देश में 111 वाटरवे हैं। कितने हैं? 111, जिसमें से 106 ऑपरेशनल हो चुके हैं, 5 के ऑपरेशनल होना बाकी है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया यानी बांग्लादेश को जोड़ता है। ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर बंधा हुआ है और इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि जुड़े हुए हैं। ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 और ये देश का सबसे लंबा वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा नेशनल वाटरवे नंबर 2 आज हमने इसी की बात की, सदिया और धुबरी जिले को जोड़ता है, सदिया बांग्लादेश और धुबरी आपका आसाम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आसाम इसमें भारत में इंडिकेट करता है और ये 891 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कैनाल पे बना हुआ है और केरला में बना हुआ है। जबकि नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है ये कालवेली टैंक काकीनाडा पुडुचेरी को जोड़ता है, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बिलोंग करता है और ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। इसमें दो पार्ट है, एक गोदावरी नदी पर है और एक कृष्णा नदी पर है। जबकि नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है ये आपका कानी धर्मा रिवर पर, धामरा रिवर पर है और मैतई नदी पर है जो कि महानदी की सहायक नदियां हैं। इनके जरिए उड़ीसा वेस्ट बंगाल को जोड़ा जा रहा है। जबकि भारत का सबसे छोटा वाटरवे नंबर है नेशनल वाटरवे नंबर 12 जो आसी नदी पर बना हुआ है यूपी में, ये मात्र 5.5 किलोमीटर लंबा वाटरवे है। तो इस तरीके से आपको वाटरवे के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कौन सा वाटरवे कहां पर है। तो चट्टोग्राम का नाम आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि चट्टोग्राम बंदरगाह किससे संबंधित है तो ये बांग्लादेश में स्थित है और ये भारत से इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए लिंक तलाशे जा रहे हैं और जिसके जरिए जो भारत से पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने का लिंक है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। इसके बाद बात करते हैं, बांग्लादेश का नाम आया है तो बांग्लादेश पड़ोसी देश है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आजकल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाते हैं, नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, नेशनल बर्ड है ओरिएंटल मैगपी रॉबिन, नेशनल फ्रूट है कटहल। आप कहेंगे सर कटहल को क्यों बना दिया, नेशनल ट्री है मैंगो आम का पेड़। फेमस फेस्टिवल मनाए जाते हैं ईद उल फितर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल कंट्री है, इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले लोग ज्यादा हैं यहां पर और इसे कभी पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। ईद उल अजहा और मुहर्रम, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। पार्लियामेंट को यहां पर जातीय संसद कहा जाता है, बंगाली भाषा काफी हद तक बोली जाती है और हाउस ऑफ नेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। वर्तमान समय में 350 लोग जो है ये पार्लियामेंट के सदस्य। नेशनल लैंग्वेज बंगाली है। नंबर ऑफ प्रोविंस यानी कि आपको यहां पर 8 राज्य देखने को मिलेंगे। करेंसी है बांग्लादेशी टका। इसके अलावा अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है बहुत अच्छी जानकारी, अच्छी इसलिए कहूंगा क्योंकि हमें इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत है, नई नई चीजें ढूंढने की जरूरत है जिसके जरिए हम अपनी एनर्जी यानी कि ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकें। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को एक विकल्प नजर आया है, वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरे से बिजली बनाना। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार
इस कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में जो ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता को समस्या को हल करना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर काफी सारा जो कचरा होता है वो इस तरह से इकट्ठा हो जाता है कि उसको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, या उसको क्योंकि पत्थर होते हैं वो इतना रॉक सॉलिड होता है कि आप उसे जमीन में भी नहीं गाल सकते, और उसे प्रदूषण ज्यादा फैलता है पहाड़ में कचरे से। तो इससे बचने के लिए उसका रिसाइकिल करना ही ज्यादा बेटर होगा, और ऐसे में 13 से 10 जिले जो हैं वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पर देखा गया है कि 11% कचरा ऐसा है जिसको बिजली में बदला जा सकता है, जिसके जरिए कोक का निर्माण किया जा सकता है। तो वेस्ट टू एनर्जी पहल किसकी है? उत्तराखंड की। वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत लगभग 5 मेगावाट तक बिजली पैदा करने के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। अगली जानकारी तक चलते हैं। एक बढ़िया जानकारी है कि भारत की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 3रे नंबर पर आई है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने एक स्थान की बढ़ोतरी की है, यानी कि एक स्थान ऊपर आया है। क्या होता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कई देश, अगर कोई भी देश या कोई भी कंपनी अगर किसी देश में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे ये पता होना चाहिए कि कहीं उसकी पूंजी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, या कहीं ऐसी पूंजी नष्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बेकार ना चली जाए, और इसीलिए वो प्लांट लगाए। इतनी बढ़िया रैंकिंग आने के बाद पहले तो पता करते हैं कितने लोगों के ऊपर ये रैंकिंग का सर्वे किया गया था। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग इंडेक्स 2020 में भारत 3रा शीर्ष देश नजर आया है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका में एक कंपनी है कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है, और ये इसलिए जारी की जाती है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए, यानी कि अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करनी हो या उसका डेवलपमेंट करना हो, तो 48 देशों में से इसके बीच में सर्वे किया गया, और ये जानने की कोशिश की गई कि किस देश में पैसा लगाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें 4 क्षेत्र शामिल किए गए थे इस पैरामीटर में, एक बाउंस बैक एबिलिटी, एक कंडीशंस, एक कॉस्ट और एक रिस्क। बाउंस बैक एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं लॉस हो जाता है तो किस तरीके से उसको रिकवर किया जाएगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन उस देश की कैसी है, कॉस्टिंग वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की कितने आने वाली है, और किस तरीके से वहां बाकी चीजों से इसको रिस्क से बचाया जा सकता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, MRI का मतलब है यहां पर मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, 2020 में क्रमशः शीर्ष के 2 स्थानों में बरकरार है, जबकि भारत पिछले रिपोर्ट से 1 स्थान ऊपर आ गया है और MRI 2020 में 3रे स्थान पर है। यहां पर 3 रैंकिंग जारी की गई थी। रैंक 1 बेसलाइन रेशियो है, इस सिनेरियो है। बेसलाइन सिनेरियो का मतलब यह हुआ कि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए कितनी सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टील की फैक्ट्री हमारे देश में लगाना चाहता है, तो स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहता है तो हमारे देश में स्टील का, इस्पात का भंडार होना चाहिए, लोहे का भंडार होना चाहिए, तभी तो वो स्टील की फैक्ट्री लगा पाएगा। अगर हमारे पास लोहे का भंडार नहीं है, किसी और देश से हम लोहा लेकर आएगा फिर यहां पर बनाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो बेसलाइन सिनेरियो में बात की जाए तो चाइना पहले नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट दूसरे नंबर पर है, इंडिया इस रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। कॉस्ट सिनेरियो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कॉस्ट को कंपेयर किया जाए तो उस मामले में चाइना किसी भी यूनिट को लगाने में सबसे सस्ता पड़ेगा, वियतनाम 2रे नंबर पर आएगा और इंडिया 3रे नंबर पर आएगा। यानी हमारे यहां पर किसी भी यूनिट को लगाने की जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी वो चाइना और वियतनाम से ज्यादा है और दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे कम है। रिस्क सिनेरियो की बात करें तो रिस्क सिनेरियो इंडिया 30वें स्थान पर आया है। रिस्क सिनेरियो के अंतर्गत ये चीज कैलकुलेट की गई कि उस देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाती है तो वहां पर पॉलिटिकल एंड सोशल जो भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो कितना है, साथ साथ पर्यावरणीय हैजार्ड्स कितना हो सकता है, कितना नुकसान किया जा सकता है या कितना नुकसान हो सकता है। इस मामले में कनाडा पहले नंबर पर है, यानी कि वहां रिस्क फैक्टर एकदम जीरो है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट रहा है, जबकि 3रे नंबर पर सिंगापुर रहा है। और इस तरीके से ओवरऑल रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान मिला है, किसमें,
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। उम्मीद करता हूं ये रैंकिंग आपको समझ में आ गई होगी। ये ग्लोबल रैंकिंग मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, ये हर साल जारी की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यूरोप और आपका एशिया और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कितने देश ऐसे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए रिस्क सबसे कम रहता है। अगली जानकारी, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह है रोशनी नादर। कोरोन रिच इंडिया लिस्ट के मुताबिक रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला है। कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने बताया था कि हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं वो विश्व के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फिलहाल रोशनी नादर जी जो हैं, इनको अभी हाल ही में एससीएल टेक का चेयरमैन बना दिया गया है और ये अपने पिता शिव नादर का स्थान लेने वाली हैं। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर मल्होत्रा नोएडा स्थित आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बन गई है। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई। शिव नादर एससीएल टेक प्रबंध निदेशक बने रहेंगे जबकि मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में भी उनका काम चलता रहेगा और प्रेसिडेंट बन गए हैं रोशनी नादर। रोशनी नादर की बात करें तो रोशनी नादर मल्होत्रा, पहले मैं आपको एससीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं। एससीएल टेक्नोलॉजी की शुरुआत शिव नादर और अर्जुन मल्होत्रा ने मिलकर 11 अगस्त 1976 में की थी। आज देश की सबसे टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी कंपनी की बात की जाए तो उसमें एससीएल का नाम जरूर आता है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा में है। इसके वर्तमान समय में सीईओ सी विजय कुमार है और रोशनी नादर भी इसकी सीईओ थी, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी। रोशनी नादर मल्होत्रा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका जो विवाह है वो शिखर मल्होत्रा जो कि अर्जुन मल्होत्रा के बेटे हैं उनके साथ हुआ था। रोशनी नादर मल्होत्रा एससीएल एंटरप्राइज कार्यकारी निदेशक और सीईओ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोर्ब्स वर्ल्ड की जो अभी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी जिसमें 34वें स्थान पर हमारी निर्मला सीतारमण जी रही थी, 54वें स्थान पर रोशनी नादर को रखा गया है और ये भारत की सबसे अमीर महिला के खिताब से भी सम्मानित है। यानी कि इस समय भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर है। इनका आयु लगभग 38 वर्ष है। ये 1982 में इनका जन्म हुआ था। अगली जानकारी, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था उस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा कि एक कंपनी है फॉर्म पे, संभव जैन की कंपनी है, अभी का स्टार्टअप है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एटीएम या डेबिट कार्ड नहीं होता और अगर वो टीनेज हैं तो उन्हें अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और उन्हें उनसे पैसे लेना पड़ता है। मम्मी पापा को भी परेशानी होती है, हर बार कैश निकाल के देना पड़ता है या उनको अपना डेबिट या एटीएम कार्ड देना पड़ता है और डेबिट और एटीएम कार्ड में बहुत सारे पैसे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि इससे ज्यादा मत निकालना। तो अब एक कंट्री का यानी कि भारत का पहला नंबरलेस कार्ड आ गया है फेम पे। इसका नाम रखा गया है फार्म कार्ड। ये उन लोगों के लिए किया गया है जो टीन एज में है। अभी हाल फिलहाल इसे टीन एज के लिए जारी किया गया है और इसके बाद आप इसे देखेंगे कि ये सभी एडल्ट्स के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। तो देश की डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक है फेमपे। फेमपे ने अभी हाल ही में पहला नंबरलेस कार्ड जारी किया है। इसमें होगा क्या, इसमें आपको अपने मोबाइल पे एक वॉलेट बनाना पड़ेगा, फेमपे का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप पेटीएम का प्रयोग करते हो उसी प्रकार से आप इसका भी प्रयोग कर पाओगे, बशर्ते आपको इसका एक कार्ड जारी होगा। आपको कोई भी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके वॉलेट में जो भी पैसा ट्रांसफर करेगा पेटीएम के तहत उसी तरह से आप इस वॉलेट में जो भी पैसा होगा उसको आप कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर पाओगे। कहीं पर भी आप इससे कैश निकाल पाओगे, डेबिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर पाओगे। इसमें कहीं पर भी खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बैंक में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो टीन एज होते हैं हमारे यहाँ खाता खोलने के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है बैंक द्वारा। और अब इस तरह के कार्ड आ जाने से उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और कोविड-19 के पूरे संकट काल में सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कैश को हाथ ना लगाएं। तो इस संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है लेकिन ये पूरी तरीके से फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं और पूरी तरीके से ये कार्ड आपका पूरा सिक्योर है। इसमें कई सारे के सिक्योर फीचर दिए गए हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग दिया गया है, आप इसमें अपना पासकोड लगा सकते हो, आप इसमें कोई पासवर्ड लगा सकते हो। तो इस तरीके से पूरी तरह से सिक्योर है। तो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड मार्केट में है और इसका नाम है फार्म कार्ड। जारी किया है फेमपे कंपनी है संभव जैन की। आगे जानकारी तो चलते हैं एक अत्याधुनिक
फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र, अपनी तरह का भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र जो है ये खादी ग्राम उद्योग KVIC के ने चमड़ा कारीगरों के लिए देश का पहला अपनी तरह का एक प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया है और इसका मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है। दिल्ली स्थित इस फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 माह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा, उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये है कि प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित कारीगरों को सफलतापूर्वक 2 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात अपना स्वयं का जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में भी मदद करेगा और वो खुद की कंपनी भी इसके बाद खोल सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों को भविष्य में अपना कार्य को पूरा करने के लिए 5,000 रूपये की एक टूल किट भी प्रदान की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष VK सक्सेना ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए चमड़े के कारीगरों को चर्म चिकित्सक अर्थात चमड़े के डॉक्टर के रूप में संबोधित किया था। तो अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है, ये नई दिल्ली में खोला गया है। अगली जानकारी है ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस तरह का ये प्रोग्राम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। किसके लिए, इसका फुल फॉर्म जरूर देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए NCERT द्वारा इस प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन मोड में स्कूल प्रमुख और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम निष्ठा शुरू किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1200 प्रमुख संस्थान व्यक्तियों के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा कार्यक्रम देश में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए फेस टू फेस मोड से 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी की स्थिति और लॉकडाउन से फेस टू फेस मोड में इस कार्यक्रम को संचालन ने प्रभावित किया है, जिसकी वजह से इसका ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस ऑनलाइन निष्ठा को दीक्षा और निष्ठा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है ताकि लोग जो भी इससे जरिए अपने आप को एडवांसमेंट में लेके जाना चाहते हैं या आगे लेके जाना चाहते हैं, इनिशिएटिव है ये, तो उसमें उनको सहायता मिलेगी। आपको बस याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, वैसे ये प्रोग्राम आपका 2019 में ही शुरू हो गया था। अगली जानकारी में चलेंगे न्यूज फटाफट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और निर्वाचन आयुक्त याद आया, अभी हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा जी, उनको ADB में अध्यक्ष बनाया गया है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त थी नीला सत्यनारायण। दो बातें याद रखिएगा, नीला सत्यनारायण जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो किससे संबंधित थी, तो वो महाराष्ट्र की पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। 1972 बैच की IAS अधिकारी थी, उन्हें राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के SEC यानी कि मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। अगली जानकारी है रियल मैड्रिड ने विश्व की सबसे प्रमुख फुटबॉल लीग ला लीगा का 34वां संस्करण जीत लिया है। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के एस्टाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में विल एरियल को 2-1 से हराकर 34वां ला लीगा चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। करीम बेनजेमा विल रालिया के खिलाफ 2-1 से जीत के लिए लीडिंग स्कोरर रहे। तो ला लीगा देश की विश्व की सबसे प्रमुख फुटबॉल लीग में से एक है और इसको जीता इस बार फिर से रियल मैड्रिड ने। अगली जानकारी है 17 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हर साल मनाया जाता है 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय को मजबूत व्यवस्था चिन्हित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को पीड़ितों के जो भी अधिकार हैं उनको संभालने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों को केंद्रित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी 17 जुलाई को ही हुई थी, इसीलिए हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाते हैं 17 जुलाई को। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला जी की याद में, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था, इसी वजह से उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है।
18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया था। गाबोन दक्षिण अफ्रीका की एक कंट्री और वहां गाबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है ओसुका रापुंडा। रोज क्रिस्टियाने ओसुका रापुंडा को गाबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो देश की 12वीं पीएम है और जूलियन खोगे बेकाले का स्थान ग्रहण करेंगी। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 को ओसुका रापुंडा ने रक्षा मंत्री का भी पद संभाला था। गाबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिबिमा ने की उनकी नियुक्ति की है। जनवरी 2019 से किया गया यह चौथा कैबिनेट फेरबदल है। गैबोन की बात करें तो यह सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है और यहां पर इसकी राजधानी जो है वो है लिब्रेविल्ले और यहां पर उनके राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओंडिबिमा। याद रखिएगा गाबोन या गाबोन बोला जाता है तो गाबोन इज कांगो के बगल में थोड़ा सा और गिनी के नीचे आएंगे का। लिबरविले गाबोन की राजधानी है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टो बद्धग्रा किस देश में स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, तो वो है फेम पे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को। राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है वेस्ट टू एनर्जी पहल, तो वह है उत्तराखंड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, तो यह तीसरे स्थान पर है। बेस लाइन सिनेरियो में तीसरे स्थान पर है, रिस्क सिनेरियो में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सॉरी रिस्क सिनेरियो में 30वें स्थान पर 30 नंबर पर है, कॉस्ट सिनेरियो में ये तीसरे स्थान पर है। नोएडा स्थित आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, वह है रोशनी नादर मल्होत्रा। हाल ही में किसने कहा पर चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह खादी और ग्राम उद्योग आयोग। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार ऑनलाइन मोड में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए निष्ठा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। नीला सत्यनारायण जी का भी हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी, तो वो महाराष्ट्र की थी। 34वां ला लीगा चैंपियंस ताज किसने जीता है, वो है रियल मैड्रिड, स्पेन में होने वाली लीग। संयुक्त राष्ट्र हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, 18 जुलाई को। और गाबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है, तो उनका नाम है ओसुका रापांडा। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को। हाल ही में खबरों में देखा गया कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आपका स्थित है बांग्लादेश में। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत के पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, तो ये है फेम पे। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो ये है उत्तराखंड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रोशनी नादर मल्होत्रा को आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनाया गया। और चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो वो है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग। हाल ही में किस राज्य में पहली बार ऑनलाइन मोड में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, नेशनल इनिशिएटिव, तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया, वो किस राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो वो महाराष्ट्र राज्य की पहली निर्वाचन आयुक्त थी। 34वां ला लीगा चैंपियनशिप किसने जीती है, तो वो जीती है रियल मैड्रिड ने। संयुक्त राष्ट्र हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में कब मनाता है, तो ये 18 जुलाई को हर साल मनाता है। और गाबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है ओसुका रापुंडा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करेंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, हो सकता है कि आज ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, और अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद है कि मैं जिस तरह से आपको वीडियो देता हूं उस तरह से नहीं दे पाया हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो हुआ। चलिए तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, ख्याल रखिएगा अपना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।